फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हो चुकी हूँ रेडी, फुल रेडी। दिखा दूँ आपको, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, चलो मैं फोटोग्राफ डाल दूंगी। और हम जा रहे हैं शादी में। जैसे आपने हल्दी और डीजे नाइट देखा था, आज उनका शादी है, तो चलिए चलते हैं दूल्हे के शादी में। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, मैं सब दिखाऊंगी वहाँ पे। और चलिए जितना हो पाएगा शूट करेंगे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। लेट्स गो पार्टी, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम भी चलते हैं शादी में। और ये आके हम लोग पहुंच गए शादी में। तो चलिए अभी अंदर एंट्री करते हैं। आप सबने तो मेरा ये वाला शॉर्ट्स देख चुके हो, बहुत दिन से मैं शॉर्ट्स छोड़ चुकी हूँ, पर शादी वाला वीडियो थोड़ा सा लेट आया क्योंकि दूसरा वीडियो सब रह गया था। तो कोई बात नहीं, आज आप शादी का वीडियो देखो और फुल एंजॉय करो, क्योंकि इसका दो ब्लॉग आएगा। फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग बराती तक देख सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बोल के मैं यहाँ का सारा वीडियो दिखा दी हूँ। और बराती जब आएगा उसके बाद आप लोग, बराती थोड़ा एंट्री कर लेंगे अभी उसके आज के वीडियो में, और बाकी उसके बाद देखिए इतना मस्त लगेगा आपको नेक्स्ट वीडियो। और ये वाला वीडियो तो सुपर है। चलो तो ये हम लोग एंट्री कर रहे थे, बहुत सारे गेस्ट अभी मतलब नहीं आए थे, एक एक करके आने लगे थे। एक्चुअली यहाँ पे लड़की लोग आए हुए हैं और बराती यहीं से ही आ रहे हैं, और यहाँ पे ही शादी होगा। सो शादी से पहले जो कुछ होता है रसम, वो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं जब पहुँची तो दुल्हा तो बराती में था, दुल्हन भी नहीं आई थी, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन आ जाएगी यहाँ पे स्टेज में। तो चलिए मैं थोड़ा सा डेकोरेशन आपको दिखा देती हूँ, घुमा फिरा के। कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, सबके साथ हमने बहुत सारा फ़ोटोग्राफ्स लिया। और यहाँ पर मैं परी का फ़ोटो ले रही थी, इतना क्यूट आ रहा था यहाँ पर फोटो, ना मस्त आ रहा था। ये सेल्फी कॉर्नर है, यहाँ पे देखिए मिस्टर पुरोहित क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं भाई, झूला। तो वो झूला झूल रहे थे तो मैं थोड़ा वीडियो बना ली, चलो बना लेते हैं। और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, सबसे मिले हम लोग एक एक करके, सबके साथ ढेर सारा फोटोग्राफ्स उठाए और सारा मैं यहाँ पे शेयर की हूँ जितना हो पाया। और ये आ गए हैं लाडी भैया और भाभी, तो उनके साथ भी हमने फोटो वोटो उठाया। उसके बाद और भी ढेर सारा फोटोग्राफ्स उठाए, आप लोग देखिए इंजॉय कीजिए। यहाँ से देखते हैं क्या क्या आइटम इधर बना हुआ है। हम लोग इधर से ही जा रहे थे, आज गुरुवार था, सुदशा व्रत हम लोग का था। तो मतलब जितने भी उड़िया लेडीज़ हैं वो लोग तो करते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं खाए, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स था तो वो लोग फ्रूट्स सब लोग खाए यहाँ से। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या आइटम है। यहाँ पे देखिए सुलेखा भाभी आ चुकी है, तो सिमरन और मैं उनसे मिलने के लिए आए थे यहाँ पे, और ये उनके साथ एक दो फोटोग्राफ्स हमने उठाया। और वो अपनी बहू को नीचे बुला रही थी कि आ जाओ यहाँ पे बैठना बोल के। तो चलिए हम उनके साथ बहुत सारा फोटोग्राफ्स उठाए। बहुत ही प्यारी लग रही थी सुलेखा भाभी, इतनी सुंदर लग रही थी मत पूछो। और ये पूजा भी आ चुकी है और बाकी कुछ फ्रेंड्स भी एक एक करके आ रहे हैं। उसकी गुड़िया मतलब बेटी कितनी प्यारी लगती है ना, पूरा परी जैसे बहुत ही क्यूट सी लगती है। मैं पूजा से और मेघा से बात कर रही थी यहाँ पे, उनको बोली चलो हाय करो दोनों, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये गुड़िया को बोली चल बेटा आप भी हाय करो, कितनी प्यारी लग रही है, डॉल जैसी लग रही है। तो देखिए यहाँ पे सुलेखा भाभी से सबको ही आके मिल रहे हैं। तो आगे उनकी बहू आएगी, तो मैं बोली कि भाभी आप, वो मॉर्निंग से कुछ नहीं खाई थी, तो थोड़ा सा फ्रूट्स लाए उनके लिए, आप थोड़ा खा लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका सर भी घूम रहा था इसीलिए। उसके बाद हम सब यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स उठाए देखिए, और बहुत अच्छा लग रहा था, खाली खाली था ना जब हम लोग गए। और ये आ चुकी है हमारी प्यारी सी दुल्हन और उसकी मम्मी, उसको छोड़ने के लिए आए थे। तो चलिए यहाँ पे उसकी सासू माँ को वो पैरी पोना कर रही थी, पैर छू रही थी भाई।
क्योंकि सारे गेस्ट जो है वो आने लगे थे एक एक करके, और ऊपर यहाँ पे कोई नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहू को बुला ली। और उस जब दूल्हा आ जाएगा ना एंट्री, उसके बाद बहू फिर यहाँ से जाएगी और फिर दोनों का एंट्री अलग से होगा। एक एक करके वो सबको यहाँ पे नमस्ते कर रही है। तो ये सुलेखा भाभी अपनी बहू को भी थोड़ा सा फ्रूट्स खिला रही थी, तो मैं ना यहाँ पे एक फ़ोटो ले ली और वीडियो भी कर रही थी। बहुत ही प्यारी सुंदर डॉल जैसी दिख रही थी, बहुत ही प्यारी है, देखिए आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और सुलेखा भाभी और उनकी बहू दोनों का जो लहंगा था सुपर्ब था, इतना सुंदर लग रहा था कि मत पूछो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और ये उनके समधन के साथ भी हमने फोटो वोटो उठाया, और ये सिमरन उसके साथ जस्ट फोटो उठा रही थी, तो मैं वीडियो भी बना ली और फोटो भी क्लिक कर ली। परी भी आ गई है ये फोटो क्लिक की, तो चलिए इसके बाद और कौन कौन आते हैं चलिए देखते हैं। और ये हम नीचे आ गए हैं, मिस्टर पुरोहित खा रहे थे भेलपुरी, यहाँ पे बहुत टेस्टी वाला भेलपुरी बन रहा था। तो मैं ना सारा शूट की हूँ यहाँ पे, भेलपुरी बन रहा है कि कितना सुंदर मस्त लग रहा था, पर हम कुछ नहीं खा पाएंगे। वैसे तो मेरा मतलब फास्टिंग ही था, गुरुवार था, नवरात्रि जस्ट ख़त्म हुआ कि नहीं गुरुवार स्टार्ट हो गया, तो गुरुवार आया था इस बार। दसवीं में जो होता है ना गुरुवार, उस दिन सुदशा व्रत जो करते हैं वो हम सब किए थे। तो यहाँ पे ना साइड में मिठाई विठाई सब था, तो ओहो मत पूछो कितना सुंदर सुंदर मिठाई सब था। लिट्टी चौका भी बना हुआ था, लेकिन वो अभी स्टॉल तक नहीं आया था, आ रहा था, तो बस मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही थी ऐसे करके यहाँ से। तो आप लोग भी देखिए और क्या क्या बना है क्या क्या नहीं खाने में, मैं सारा यहाँ पे दे दी हूँ, आप लोग देखें एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे हमारे सुंदरगढ़ की जो एक्स एम एल ए थी कुसुम टेटे जी, वो आई हुई थी, उनसे मिल रही थी ऊपर,
तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो शूट की, वो जैसे ही आए हमने उनके साथ अभी फ़ोटो क्लिक किया और बहुत बहुत अच्छे से बात की उनके साथ। वो बता रही थी कि और भी दो तीन जगह जाना है। और ये देखिए मेरी फ्रेंड की भाभी और भैया, उनकी दोनों बेटी, उनके साथ भी मैं फ़ोटो उठाई। और ये ममता भाभी, बाकी बहुत लोग आए हुए थे, सबके साथ एक एक करके फ़ोटो उठाए। तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे, तो भैया से मिले, भाभी से मिले, मैं बोली हाय। तो वो लोग ऊपर जाएंगे, आने के बाद फिर हम उनके साथ भी फ़ोटो वोटो उठाएँगे। और देखिए इसके बाद ना भाभी जब नीचे आई, उसके बाद मैं उनके साथ ये फ़ोटोग्राफ्स उठाई। बहुत सारे दीदी से भी मिले जिनसे बहुत दिन हो गया नहीं मिले थे, उनसे भी मिले। यही तो होता है ना, शादी वादी में जाओगे ऐसे ही सबसे मिलोगे, फ़ोटोज़ उठाओगे, मेमोरी करोगे, तो अच्छा लगता है। और दुल्हन अभी यहाँ पे है, ये देखिए मेरी मौसी की बेटी, वो भी आई हुई थी, उसके साथ भी फ़ोटो। और ये मेरी ननंद है, वो तो पूरा मेरे जैसी, मतलब हम बहन बहन दिख रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसी भाभी के साथ उठाई, उसके बाद बाराती आ गए। तो चलिए देखते हैं अभी बाराती और वो लोग क्या कर रहे हैं, आगे एंजॉय करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए ये वाले ब्लॉग को। इसके बाद आएगा बहुत अच्छा वाला ब्लॉग, धमाकेदार बाराती, उसके बाद एंट्री, देन उसके बाद जयमाला। तो चलिए एंजॉय करते हैं।